धर्म अफीम की गोली है और ये धर्म जो है हमारे हिंदू समाज एक बहुत बड़ा कैंसर की तरह। मतलब अगर नेता के काबिल अगर कोई बढ़िया सदर के विधायक के काबिल अगर है बिना पार्टी का अगर देखा जाए तो डब्लू मणि ही है। अब मतलब कि अमीर लोग धर्म की गोली खिला देते हैं गरीब लोगों को, गरीब उसी धर्म को लेकर घूमता रहता है, राज करते हैं। सबसे बढ़िया नेता कौन है? हाँ डब्लू मणि है। अच्छा, राम मंदिर निर्माण जो है वो बीजेपी के लिए फायदा करेगा या नुकसान करेगा? बिल्कुल फायदे में है। तो ये कानून व्यवस्था किसका बेहतर था, अखिलेश यादव मायावती का या योगी सरकार का? देखा जाए तो कानून व्यवस्था तो मायावती का। डबल मणि को वोट देना हमको जरूरी है, चाहे दुनिया टूट जाए हम डबल मणि वोट दे। कानून व्यवस्था की अगर बढ़िया रहा अखिलेश यादव के मायावती के या योगी जी के? अरे भाई कानून व्यवस्था हर जगह। कोरोना काल में जन सरकार योजना देला तो ठीक रहे कि कहीं चुप कब आई? कानून व्यवस्था केकर बढ़िया रहे, अखिलेश यादव मायावती के या योगी जी के? नहीं कानून केकर ठीक रहे? कानून तो ठीक है मोदी के। देवरिया विधानसभा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम चौराहों से आपको जमीनी हकीकत बता रहे हैं कि जनता इस बार 2022 में किसको बनाएगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो विकास पे वोट होगा? विकास वोट होगा। ज्यादा धर्म पे वोट नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, महंगाई से बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी कि घटेगी? अब भाई महंगाई के हिसाब से मनो घटना चाहिए। अच्छा, कानून व्यवस्था केकर बढ़िया रहे, अखिलेश यादव मायावती के या योगी जी के? कानून तो ठीक है मोदी के। वह पूछा था नहीं, कोरोना काल में जन सरकार योजना देला तो ठीक रहे कि कहीं चूक कब आई? ठीक रहे। राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी के फायदा हुई कि नुकसान हुई? नहीं फायदा हुई। फायदा हुई। झुन्नीलाल जी बताइए कि ये बार चुनाव में जाति धर्म देख के वोट हुई कि विकास के देख के वोट हुई, केकर फायदा हुई? जाति धर्म के उसको मतलब नहीं है, ठीक है? ये पूरा भारत वर्ष विकास के मतलब बा, अमन जहाँ बानी जा अमन के विकास चाहिए, ठीक है? जन महंगाई बढ़ल बा ये से बीजेपी के फायदा हुई कि नुकसान हुई? अब फायदा नुकसान तो मान लो फायदा का वही या नुकसान, लेकिन मान लो जनता परेशान बा महंगाई से। कानून व्यवस्था केकर बढ़िया रहा, अखिलेश यादव के मायावती के या योगी जी के? अरे भाई योगी जी के कानून व्यवस्था सब बढ़िया बा, हर जगह हमेशा बा। हमारे खानदान देखो बहुत बढ़िया, डब्लू मणि हमारे साथ मछली भी मार ले बना। डब्लू मणि को वोट देना हमको जरूरी है, चाहे दुनिया चूक जाए लेकिन हम डब्लू मणि वोट दे। विकास के अलावा जाति धर्म पे भी राजनीति करेंगी? हाँ बीजेपी की तो करी रही है, जाति का मुद्दा हुआ रही है, मंदिर का मुद्दा। अच्छा, बढ़ी हुई महंगाई से सत्ता दल बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान। एक चीज बताइए, कानून व्यवस्था किसका बेहतर था, अखिलेश यादव मायावती का या योगी सरकार का? इसे देखा जाए तो कानून व्यवस्था तो मायावती का था जी। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने जो व्यवस्थाएं की वो सही था या सरकार कहीं चूक कर गई? पूरी तरह से गवर्नमेंट जो थी वो व्यवस्था नहीं दे पाई जितनी चाहिए, सफिशियंट मात्रा में नहीं दे पाई। सर, राम मंदिर का जो निर्माण आरंभ हुआ है इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, जो हिंदूवादी लोग हैं, जैसे मान लीजिए, अब देखिए धर्म अफीम की गोली है और ये धर्म जो है हमारे हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा कैंसर की तरह है, ठीक ना? और ये मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम की गोली है और बुजुर्गवा वर्ग और सर्वहारा वर्ग, जो बुजुर्गवा वर्ग मतलब कि अमीर लोग धर्म की गोली खिला देते हैं गरीब लोगों को, गरीब उसी धर्म को लेकर ढूंढता रहता है, राज करते हैं। तो इससे बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? देखिए, इस समय प्रेजेंट टाइम में कुछ तो कुछ फायदा होगा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उस धर्म में नहीं जाएंगे। अच्छा, तीन हमें डेवलपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक ना, रोजगार चाहिए। जैसे तीन कृषि कानून ने बीजेपी ने बनाए और फिर किसान के विरोध के आगे उसको वापस कर लिए, तो ये क्या बीजेपी के पक्ष में है या खिलाफ? नहीं तो खिलाफ है, सीधे हर किसान जानता है इस बात को जी। 369 जो किसान मरे वहाँ पर जा करके, तो उस समय नहीं बीजेपी गई देखने के लिए कि तो किसानों के किसान भलाई हो जा रहे हैं, बीजेपी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो वोट नहीं जाएगा किसानों को, वोट नहीं जाएगा। बीजेपी बिना भेदभाव के अनाज, LPG और मकान देने के दावे कर रही है और कह रही है कि सबका साथ और सबका विश्वास है, तो इसमें पास है कि फेल है? देखिए, फ्री का मुफ्त का दाना जो मिल रहा है ये है, मतलब कि जो बेरोजगारी को तो नहीं देख रही कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, 5 किलो गेहूँ मिल गया, 1 किलो रिफाइन मिल गया। आप रोजगार पर की बात करो ना भाई, आप रोजगार पर बात करो कि हमारा युवा कहाँ जा रहा है। अभी जो लाठी चार्ज हुआ है, क्या वो गलत मांग कर रहे थे प्रयागराज में? पटना से लगाए इलाहाबाद तक के बच्चे मारे गए,
अच्छा आई इस ये राशन पानी जो है एक लुभावना है, जैसे ये अनपढ़ जनता इसको कह रही कि हमें फायदा हो रहा है, लेकिन वो कर्मठ मतलब काम नहीं करना चाहती है। सुधीर जी एक चीज़ बताइए, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कुछ पार्टियां विकास के अलावा जाति और धर्म के अलावा राजनीति करे, इससे किसको फायदा होगा? ये इस बार तो बीजेपी ही आएगी, बाबा की ही सरकार बनेगी। एक चीज़ और बताइए, बढ़ी हुई महंगाई से सत्ता दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी? नहीं, मुश्किल बढ़ेगा घटेगा ये नहीं हमें पता, लेकिन बाबा की ही सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी। अच्छा, कानून व्यवस्था किसका बेहतर था, अखिलेश यादव का, मायावती का, या अभी, अभी जो हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी? अच्छा, कानून व्यवस्था बेहतर है, बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और, कोरोना महामारी काल जब चला था तो सरकार ने व्यवस्थाएं की, जितना उसको जिस उतना जरूरत लगा, जितना वो कर सकी उन्हें व्यवस्थाएं की, तो उसमें वो समुचित व्यवस्था कर पाई या कहीं फेल हो? बिल्कुल, बहुत सुपर रहा यूपी का कोरोना में काल का व्यवस्था है। अच्छा, राम मंदिर निर्माण जो है वो बीजेपी के लिए फायदा करेगा या नुकसान करेगा? बिल्कुल फायदे में है। 3 कृषि कानून बनाए गए फिर उसको वापस कर लिया गया, तो ये बीजेपी के पक्ष में है या खिलाफ में है? अभी तो ये अगर देखा जाए तो ये तो सरकार चुनावी मुद्दों को देखते हुए वापस की है। सरकार दावा कर रही है कि हम बिना भेदभाव के हर जाति धर्म को सबका साथ सबका विश्वास का नारा देते हुए सबको एक समान योजनाएं दी हैं जी, तो क्या ये सही है या गलत है? अभी तो इनका जो कैंपेन ये चल रहा है कुछ हद तक सही ही जा रहा है। एक चीज़ और बताएं कि आप दलगत राजनीति यानी पार्टी की बात हम छोड़ दें तो देवरिया का सबसे बढ़िया नेता कौन है? अभी अगर ग्राउंड लेवल पर नेता देखा जाए तो ये डब्लू मणि ने जितना मेहनत किए हैं वो मतलब अगर नेता के काबिल, अगर कोई देवरिया सदर के विधायक के काबिल अगर है बिना पार्टी का अगर देखा जाए तो डब्लू मणि ही हैं।